मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। अक्सर सुबह जब मैं उठता हूँ तो अपने भीतर कुछ शब्द सुनता हूँ। जैसे आज मैंने अपने भीतर ये शब्द सुने, रख याद ये बात रूहानी, ये जग है फना फानी, ये सारा जग। ऑल दैट यू सी, ऑल दैट यू टच, ऑल दैट यू फील, ऑल दैट यू हियर इज पासिंग, इज ट्रांसियंट, एज अ बबल फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये मत भूलना कि यह सारा पसारा, यह सूरज चांद तारा, ये पेड़ पौधे पहाड़, सब है फानी, सब है फानी, सब है फानी। एक करोड़पति का इकलौता बेटा था। अब वह उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने पिता की फैक्ट्री में काम करने लगा। एक दिन दोनों अपने ऑफिस में बैठे थे। पिता अपना काम कर रहा था और सामने दूसरी टेबल पर पुत्र अपना काम कर रहा था। अचानक जोरदार आवाज होती है। पुत्र अपनी गर्दन उठाकर देखता है, उसके पिता जमीन पर बेहोश पड़े थे। डॉक्टर को तुरंत बुलाया जाता है। डॉक्टर आकर जांच करते करके कहता है, ये तो चल बसे, ये तो चल बसे। उस वक्त पुत्र बेचारा अब वहां हक्का बक्का खड़ा सोचने लगा, आखिर मेरे पिता को क्या हो गया, जो पिता अभी कुछ ही मिनट पहले मुझसे बड़े प्रेम से बातें कर रहे थे, अब वे कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। बेटे के भीतर वैराग्य जागता है। ऐ रख याद ये बात रूहानी, ये जग है फना फानी, ये जग है फना फानी। बेटे के भीतर वैराग्य जागता है। वह सोचता है, पिताजी चल बसे। पिताजी ने एक एक कौड़ी कमाकर करोड़ रुपए बनाए, पर उन करोड़ों में से एक कौड़ी भी अपने साथ नहीं ले जा सके। उन्होंने कितने चाव से ऑफिस को फर्निश किया, ईरान से कितनी महंगी कालीन मंगवाई। एक एक कालीन का मूल्य 50,000 रुपये था। ये सारे कालीन वे यहीं छोड़ गए, अपने साथ तो कुछ भी नहीं ले गए। फिर भला इस संसार से मैं क्या ले जाऊंगा, मैं क्यों इस संसार के जंजाल में पड़ूं। उसके दिल में ऐसा वैराग्य जागता है कि वह सोचता है, मुझे इस जीवन के सत्य को तलाशना चाहिए। वह तलाश में निकलता है। वह यहाँ जाता है, वहाँ जाता है। बहुत घूमने के बाद वह एक स्थान पर पहुँचता है जहाँ उसे एक संत के बारे में पता चलता है। वह उनके दर्शन करने चल पड़ता है। जब उसे दर्शन होते हैं तब वह अपने भीतर एक आवाज़ सुनता है जो उसे कहती है, ये वही हैं जिसके तलाश में तुम भटक रहे हो, तुम जाकर इनकी शरण लो। पर लोग उसे बताते हैं कि ये संत किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते। युवक मन ही मन कहता है, मैंने इन्हें अपना गुरु बनाया है, चाहे ये मुझे स्वीकार करें या ना करें, मैं अब जाकर इनकी कुछ सेवा करूं। वह प्रभात के समय 3 बजे अपने हाथ में झाड़ू लेकर संत के घर का आंगन साफ करता है। संत जब सुबह जागते तो देखते आंगन एकदम साफ है। अब रोज रोज ऐसा होता है। संत सोचते हैं, कौन प्रतिदिन मेरा आंगन साफ करके जाता है। एक रात वे जाग कर बैठते हैं। वे सोचते हैं, देखूं तो सही,
वैसे भी वे रात को जागते थे पर ध्यान में बैठे रहते थे, क्योंकि एक एक संत रात को जागकर ध्यान करते हैं। उस रात संत ध्यान में नहीं बैठते, वे कहते हैं आज मैं देखूंगा, आज मैं देखूंगा कौन मेरा आंगन साफ करता है। रात के 3 बजे उन्हें आवाज सुनाई देती है। युवक झाड़ू लगाने के साथ साथ ये शब्द दोहराता था, है प्यास गुरुदेव तेरे संग रहूं, भेदभाव बुलाकर चरणों में बैठूं, नूरी कर कबूल कदमों में, नूरी कर कबूल कदमों में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, युवक यह गीत गाता और आंगन मुहारता। तब संत आकर पूछते हैं मेरे प्रिय तुम क्या कर रहे हो। युवक देखता है कि अब वह पकड़ा गया है, इसलिए तुरंत झाड़ू छोड़कर संत के चरण पकड़ता है। फिर वह कहता है मैंने तो आपको अपना गुरु मान लिया है, अब आप मुझे अपना शिष्य माने या नहीं ये आप पर है, पर आप मेरे गुरु हैं। उसकी बात सुनकर संत का दिल पसीज जाता है। वे कहते हैं आज तक मैं किसी का गुरु नहीं हुआ हूं, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा करने से कहीं मुझ में अहंकार न आ जाए, किंतु तुम में पता नहीं क्या बात है जो मैं तुम्हें ना नहीं कर सकता। तुम आओ मेरे साथ, हम दोनों इस अध्यात्म के पथ पर साथ साथ चलेंगे। आगे संत युवक से इसके जीवन के बारे में पूछते हैं। युवक उन्हें अपने जीवन की सारी घटना बताता है। फिर युवक संत के पास पूरे 7 साल रहता है, उनके पास रहकर खूब साधना करता है। 7 वर्षों के बाद संत उससे कहते हैं अब तुम्हारी साधना पूरी हुई, तुम अब अपने शहर लौट जाओ, और जिनके दिल में परमात्मा को प्राप्त करने की प्यास है उनके दिल पर जादू लगाओ, जादू लगाओ। युवक उनकी आज्ञा का पालन करता है। जब वह अपने गुरु से विदा लेता है तो कहता है गुरुदेव मुझे कोई ऐसी शिक्षा दीजिए जो मैं अपने दिल में संजो कर ले जाऊं और अन्य लोगों को जाकर दूं। देखिए संत उसे क्या शिक्षा देते हैं। संत उसे चंद शब्दों में शिक्षा देते हैं, जो शिक्षा सभी संतों की शिक्षा है, जो गुरुदेव साधु वासवानी जी की शिक्षा है, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षा है, जो उपनिषदों और वेदों की शिक्षा है,
यह शिक्षा आज आप अपने साथ ले जाएं। संत उस युवक से कहते हैं, मेरे प्रिय, संसार में रहना पर संसारी मत बनना, संसार में रहना पर संसारी मत बनना। इसलिए अपना दिल इस संसार को या संसारी चीज़ों को मत देना, अपना दिल देना एक दिलबर को, और खुले हुए को बांधना और बंधे हुए को खोलना। राधे कृष्ण जप ले, बंदे हो जाए बेरा पार, छोड़ मोहब्बत दुनिया की, तू कर ले सच्चा प्यार। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम संसार में रहें पर संसारी होकर न रहें। ज़रूरी नहीं है कि हम संसार का त्याग कर किसी वन में चले जाएं या फिर किसी पहाड़ की चोटी पर बैठ जाएं। संसार में रहें क्योंकि एक एक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है। अपने कर्तव्यों से मुँह मोड़ना कायरता है। हम अपना कर्तव्य करते रहें क्योंकि यह पृथ्वी एक कर्म भूमि है, पर संसार में रहकर संसारी न बने। संसारी न होने का अर्थ है मोह से आज़ाद रहना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मोह क्या है? मुझे इस बात का कैसे पता चले कि मुझे किसी से मोह है या नहीं? मैं बताऊं, इसकी टेस्ट यह है, यदि मुझे मोह हो गया है तो उसे मैं अपना कहूँगा। मैं कहूँगा ये चीज़ मेरी है, यह बंगला मेरा है, ये मोटर मेरी, ये बच्चे मेरे, ये ऑफिस मेरी। जहाँ मेरा मेरा है वहाँ मोह है। पर यदि मैं कहता हूँ मेरे प्रभु ये सब तेरा, मैं तो खाली हाथ आया था और खाली हाथ लौट जाऊँगा, ये सब तो आपका दिया हुआ है और ये सब अमानत है दुखियों दरिद्रों की सेवा के लिए, यदि मेरी यह भावना है तो मैं मोह से दूर हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, काश हम मोह से दूर ही रहें, संसार में रहें पर संसारी होकर न रहें। यदि आप संसार में संसारी होकर नहीं जीना चाहते, यदि आप कमल के फूल की तरह संसार में रहना चाहते हैं, तो इसके लिए दो बातें करनी होंगी।
कंट्रोल योर टंग, कंट्रोल योर सेक्स इम्पल्स, अर्थात अपनी जुबान को लगाम दो और दूसरा अपने काम वासना पर काबू रखो। एक एक के भीतर काम वासना होती है, न केवल इंसानों में पर यह तो पशु पक्षियों में भी होती है। दूसरा, जुबान को ही लो, हमें स्वादिष्ट भोजन खाने की कितनी इच्छा होती है। हम अक्सर सोचते हैं हमें स्वाद की परवाह नहीं है, पर जब कोई खाने की चीज़ बनती है और वह हमें पसंद नहीं आती, उस समय हमें पता चलता है कि हमारे भीतर रसन रूपी तृष्णा कितनी है। इस रसन पर काबू पाना है। और याद रखना, काम वासना तथा रसना साथ साथ जाती है। जहाँ रसना की भूख है वहाँ काम की भूख भी होती है। अपनी जुबान पर कंट्रोल रखो। इसलिए भगवान हमें जो भी खाने को दें उसे ब्रह्म भोजन समझकर ग्रहण करना चाहिए। कुछ संत साधकों से कहते हैं एक सप्ताह बिना नमक का भोजन खाओ। आप कहेंगे हाँ हाँ हम खाएंगे, पर मैं बता रहा हूँ यह बहुत मुश्किल काम है। मेरे प्रियजनों, एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, तुम्हारी माताजी 80 वर्ष की है, तुम जाकर उनसे एक प्रश्न पूछो। बीरबल कहता है, जहानपनाह क्या पूछूं? अकबर बोले, जाकर पूछो माँ, क्या तुम्हें कभी काम वासना सताती है? बीरबल को यह सुनकर तजुब होता है। अब मन ही मन सोचता है, एक तो माताजी वृद्ध हैं, ऊपर से मेरी माताजी हैं, अब उनसे मैं यह कैसे पूछ सकता हूँ? किंतु बादशाह से क्या कहे। वह घर लौट आता है, बेचारे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तब माताजी पूछती हैं, क्या बात है, क्या तुम्हारे दिल पर कोई बोझ है? मुझे बताओ क्या परेशानी है? बीरबल बेचारा क्या कहे, कैसे पूछे? आखिर माँ पता लगाती है कि बीरबल की तकलीफ क्या है। जब माताजी को सारी बात का पता चलता है तो वह कहती है, बीरबल मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दूंगी, वो तुम जाकर बादशाह को सुना देना। अगले दिन माताजी एक संदूक में राख डालकर बीरबल से कहती है, ये बादशाह को दे आओ। बीरबल वह संदूक लेकर आता है और बादशाह के चरणों में रखता है। फिर वह कहता है, राजन मेरी माताजी ने आपके प्रश्न का यह उत्तर दिया है। बादशाह संदूक खोलता है और राख देखकर समझ जाता है कि माताजी के कहने का अर्थ क्या है। राख का अर्थ है, जब तक यह शरीर जल कर राख नहीं होता तब तक मैं काम वासना से आज़ाद नहीं हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस संसार में चौकना रहने की ज़रूरत है। संसार में रहें पर संसारी होकर न रहें। इसलिए जो भी काम करें, छोटा या बड़ा, बस उसे प्रभु के चरणों में अर्पण कर दें। जब हम अर्पण करने लगेंगे तो संसार के प्रभाव से आज़ाद होने लगेंगे। आगे यदि आपको याद है तो संत ने युवक से यह भी कहा था, खुले हुए को बांधो और बंधे हुए को खोलो। क्या खुला हुआ है? खुली हुई है हमारी जुबान, जो सारा समय बक बक करती रहती है। यदि आप इस आध्यात्मिक राह पर चलना चाहते हो तो इस जुबान को लगाम दो, कम बोलो, मौन रहो और मौन साधना द्वारा अपने भीतर जाने की कोशिश करो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह बहुत ज़रूरी है। एक एक को मौन साधना करनी चाहिए। किसी शांत कोने में बैठकर अपने भीतर जाओ। हम सवेरे से लेकर शाम तक कितने सारे काम करते हैं, पर यह सबसे महत्वपूर्ण काम है
खुले को तुम बांधो और बांधे हुए को खोलो। क्या बंधा है? बंधे हैं आपके बटुए, उनमें नोट लिए आप घूम रहे हैं। इन बटुओं को खोलना है और दान करना है। देखिए संसार में कितना दुख है, इस दुख को दूर करो। जो भी आपके पास है वो है अमानत, प्रभु की सेवा के लिए, दुखियों और दरिद्रों की सेवा के लिए। अपने बटुओं को खोलो और दुखियों की सेवा करो। एक तरफ कितनी अमीरी है और दूसरी तरफ कितनी गरीबी है। मुझे एक महिला मिली, उसने कहा मेरे घर में एक पेंटिंग लगी हुई है जिसका मूल्य 2 लाख रुपए है। एक तरफ एक घर में 2 लाख की पेंटिंग लगी हुई है और दूसरी ओर कितने लोग भारत में भूख से बेहाल है। मैं एक घर में गया, वहाँ एक माँ अपने 4 बच्चों के साथ बैठी थी। बच्चे माँ से कह रहे थे, माँ माँ हमें भूख लगी है, हमें भूख लगी है। माँ ने कहा, बच्चों मैंने चूल्हे पर खिचड़ी बनाने रखी है, जब तैयार हो जाएगी तो मैं तुम्हें खिलाऊंगी। बेचारे बच्चे भूख भूख करते सो गए। माँ ने खिचड़ी बनाई हो तो बच्चों को खिलाए। माँ ने चूल्हे पर पानी से भरा एक पतीला रख दिया था और बच्चों से कहा खिचड़ी बन रही है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक तरफ इतनी गरीबी और दूसरी ओर कितनी अमीरी। मैं ये नहीं कहता कि आप घर में इतनी महंगी पेंटिंग्स मत लगाओ, भली लगाओ, भली लगाओ। भगवान आपको खूब धन दे, पर जो आपके पास है उसमें गरीबों का हिस्सा भी है। इसलिए अपने बटुए खोलो, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों की सेवा में खर्च करो। अब समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आज बस इतना ही। आज हम संतों की यह शिक्षा अपने साथ ले जाएं, संसार में रहें पर संसारी न बने। इसलिए अपना दिल एक परमात्मा को ही दें तथा खुले हुए को बांधें और बंधे हुए को खोलें और अपना जन्म सफल करें, सफल करें, सफल करें। ओम शांति 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 ही।